अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन इन हेल्थ। तो आज हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। सो फॉर कॉफ़ी यू हैव टू टेक अ गुड ब्रांड ऑफ कॉफ़ी। मैंने इम्तियाज़ की ली थी बिकॉज आई लाइक द टेस्ट ऑफ इट। तो आप 3 टेबल स्पून कॉफ़ी के लें, एक मग में डालें, उसमें 4 टेबल स्पून शुगर के ऐड करें। शुगर की मकदार आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप मीठा पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क, और मिल्क के लिए हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पे हम मिल्क के यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट्स आपने अच्छी तरह से बीट करना है, और उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसके अंदर आपने 1 और 2 टेबल स्पून और जो है वो मिल्क के ऐड करने हैं, और इसको दोबारा से बीट करना है क्योंकि हमने इसको फ्लफ़ी करना है अच्छा खासा, और इस तरह से ये मज़ीद फ्लफ़ी होता जाएगा। और जब आप इसको अच्छी तरह से बीट कर ले और ये अच्छा खासा फ्लफ़ी हो जाए, उसके बाद हमें यहाँ पे ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम कॉफ़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे अब जो है वो 3 कप्स जो है वो मिल्क के ले लेंगे। मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो नूरपुर का दूध लिया है, इसका टेस्ट सबसे बेहतर होता है। और उसके बाद आप इसमें जो हमने फ्लफ़ी कॉफ़ी बनाई है वो हम इसके अंदर सारी ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद इसको किसी जग में अलग कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप आइस क्यूब्स लीजिए, और आइस क्यूब्स को जो है वो दोबारा से ग्राइंडर में ऐड कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आप चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो हमने ली है, आप चाहें तो वनीला आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और आइसक्रीम ना लीजिएगा, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद जो हमने कॉफ़ी बनाई थी उसको मिक्स किया था ग्राइंडर में, वो सारा दूध और कॉफ़ी हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से हम जो है वो ग्राइंडर दोबारा से चला लेंगे। और आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो। उसके अलावा फिर सर्विंग के लिए यहाँ पे हमने ग्लासेस लिए हैं, और उसके बाद हमने उसके अंदर आइसक्रीम डाली है। आइसक्रीम डालने के बाद यहाँ पे हम उसके अंदर अपनी जो हमने कॉफ़ी शेक तैयार किया है, कोल्ड कॉफ़ी तैयार की है, वो डाल लेते हैं। और उसके बाद इसको जो है आप मज़ीद चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर डाल के तो इसको अच्छे तरीके से सर्व कीजिए, और बहुत मज़ेदार जो है वो कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है, और आप मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।